गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आप करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैंने अपने होटल से चेकआउट कर दिया है नॉर्थ गोवा में और अभी हम लोग आ रहे हैं ब्रेकफास्ट करने एक बहुत ही फेमस प्लेस में। इस जगह का नाम है थलासा। थलासा एक्चुअली गोवा में ही है, नॉर्थ गोवा में ही एक बहुत बढ़िया बीच स्टाइल रेस्टोरेंट है। तो कल रात तो खूब पार्टी कर रहे थे नॉर्थ की, तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट यहाँ पे आके करते हैं। बहुत ही शानदार खाना खाने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं साउथ गोवा। ऑलमोस्ट एक घंटे का सफर है। ब्रेकफास्ट हमने फुल कर लिया है, बुकिंग हमारी ऑलरेडी हो रखी है। मैं यार एक चीज जो बहुत ही बढ़िया है ना गोवा की, वो है वहाँ का नाश्ता। यार क्या शानदार नाश्ता है। इंग्लिश ब्रेकफास्ट, इंग्लिश अंग्रेजों का ब्रेकफास्ट है। वो आए और नारियल पानी ना पिए। दो नारियल पानी कैसे पिएगी तू? मैं बताऊँ कल रात क्या हुआ था। फिफ्टी वाले तीन दे दीजिए। हाँ। पहले दो तो पीने हैं। हाँ। खाना खाने के लिए। और इसको देखो, ये रास्ते में आया और ऐसे हो गया। क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए? ओह माजी, हाय हाय, ये है किंगफिश। ना बेटे तो आ गया स्वाद, खानी है? Yes. इनको बोलते हैं ड्रीम कैचर्स। ये नाइस, लुक्स गुड। वी हैव रीच्ड केनिलवर्थ रिसॉर्ट। वी हैव रीच्ड द प्रॉपर्टी। बहुत ही शानदार जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कुछ ऐसा हमारा रूम, केनिलवर्थ रिजॉर्ट एंड स्पा, उतोड़ा बीच में। रॉयल ऑर्किड स्पा अगर आपको पता होगा जस्ट उसके बगल में है। एंड इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ साउथ गोवा। एक खतरनाक चीज ये है। होटल अपने आप में बहुत अच्छा है, इट्स इज अ 5-star प्रॉपर्टी और जगह बहुत ही शानदार है। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। इनका अपना प्राइवेट एक्सेस है बीच का और जगह एकदम फाड़ू है। अभी आप देख रहे हो सामने स्विमिंग पूल है, अभी हम लोग उधर ही जाएंगे। आराम कर लिया है, खाना खा के हम लोग अच्छे से सोए थोड़ी देर के लिए। और ऐसी कुछ है प्रॉपर्टी यार। और गाइस चेक दिस आउट, ये है यहाँ का प्राइवेट एक्सेस। क्योंकि ये जो बीच है या फिर ये जो रिजॉर्ट है, ये एक प्राइवेट रिजॉर्ट है, तो इसका जो एक्सेस है ना इस बीच का, वो भी प्राइवेट है। भाई साहब नज़ारे देखो यार, इस चीज़ के लिए तो हम लोग आते हैं। देखो जनरली मैं ना थोड़ा सा पहाड़ वाला इंसान हूँ, आई लाइक माउंटेन्स मोर, बट ऐसी जगह देखने के बाद ना वाह, अपनी खूबसूरती है। नॉर्थ गोवा की अपनी खूबसूरती है। नॉर्थ गोवा में लोग बहुत ही अच्छे 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 खाने के जॉइंट्स हैं। खैर यहाँ पे भी अच्छे अच्छे खाने के जॉइंट्स हैं, बट दिस इज नाइस, बहुत ही बढ़िया। गाइस शाम को आ गए थे वापस, भी हमने मंगवाया है थोड़ा सा सूप। ये सूप पियेंगे, इसके बाद देखते हैं अगर हम नीचे लाउंज में गए डिनर करने, नहीं तो हम रूम पे मंगाएंगे। फुल रेस्ट कर रहे हैं। सूप पीने के बाद बाहर शुरू हो रखी है बारिश, तो हम लोग बाहर नहीं गए। खाना और ये है टीवी, ये है खाना और ये है टीवी, और चिल मोड ऑन है एकदम। ये है फिरनी, जो मुझे, मेरे को रबड़ी और फिरनी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैंने रबड़ी तो बहुत खाई है देहरादून में, तो मैंने सोचा फिरनी खाते हैं। डिनर करने के बाद जब बारिश रुकेगी तो हम थोड़ी देर बाहर जाएंगे वॉक करने। सो गाइज रात को निकले हैं थोड़ा सा राइड पे, लेकिन भाई एक चीज चेक करो आप लोग, जितना क्राउड हमने नॉर्थ में देखा था ना, उसका एकदम 10% क्राउड भी नहीं है भाई। यहाँ रोडे खाली पड़ी हैं, खाली है, देखो खाली है। क्योंकि अगर आपको मजे लेने हैं गोवा में, मस्ती करनी है, खाना खाना है अच्छा, तो नॉर्थ में पार्टी करनी है खूब, तो नॉर्थ में रहो। लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए और थोड़ा टाइम आपस में स्पेंड करना है या सॉलिट्यूड में रहना है, तो तब साउथ आओ। मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू फाइनल डे ऑफ गोवा ट्रिप। आज
हम लोग सुबह अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं वापस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है और समय हो रहा है सुबह के 7। गाइस अभी सुबह निकलने से पहले मैंने सोचा आप लोगों को एक बार प्रॉपर्टी पूरी दिखा देता हूँ, क्योंकि कल तो बहुत अंधेरा हो गया था और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये पूरा पूल एरिया है, वो सामने वाला देखोगे वो 10 फीट है। उस पूल में आपने मेरी देखी होगी अंडर वाटर, वो वहीं की है गाइस। मैं 10 फीट में ऐसा तैरा कल। और अगर अजंक्य मस्कर तुम ये व्लॉग देख रहे हो तो मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे को इतनी शानदार स्विमिंग सिखाने के लिए। वहाँ जाएंगे आप सामने उधर जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, वो उनका एक बीच शैक है, वहाँ पे उनका पूरा प्राइवेट एक्सेस है जो मैंने कल दिखाया था आपको। सामने हम वो वाले बिल्डिंग में रुके हुए हैं, पर ये 4 बिल्डिंग्स की प्रॉपर्टी है इनकी। काफ़ी अच्छे अच्छे रूम्स हैं, रूम्स की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो आप लोगों को जैसा भी सूट करे। साउथ गोवा में देखो यही है यार, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, तो लोग क्या करते हैं रिजॉर्ट में आते हैं, अच्छा ऐसा रिजॉर्ट पकड़ते हैं और वहाँ पे फिर प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं, प्रॉपर्टी में ही मस्ती करते हैं। तो ऐसा कुछ है, सीन मस्त है और बस इसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं। ये प्रॉपर्टी जो है बहुत ही शानदार है, प्रॉपर्टीज आई वुड हाईली रिकमेंड आप लोग आएँ, एक्सपीरियंस करें और मज़े लें साउथ गोवा के। अब हम लोग निकल रहे हैं, पैकिंग हमारी हो चुकी है, गाड़ी हमारी रेडी है, फ्यूल अप कराना है और फिर हम निकलते हैं। रास्ता भी कुछ ऐसा शुरू हो चुका है, मिलते हैं आपसे वापस, आपको पूरी जर्नी दिखाते हैं, पर जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। साउथ गोवा की ब्यूटी देखो यार आप, ये भगवान कम से कम 6-7 रील हो चुकी है तुम्हारी, और कितनी रील बनाओगी। ये देखो ये है अम्बोली घाट, यहाँ पे पूरे टाइम कोहरा रहता है लेकिन अभी क्योंकि मौसम ठीक हो रखा है, देखो ऊपर से आप देखोगे फाउंटेन ही फाउंटेन है। ये देखो पूरा देहरादून जैसा ही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ठंड उतनी नहीं है, सिर्फ कोहरा ज़्यादा है। आपको पहले वाला एपिसोड पता है जिसमें हम लोग गोवा की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें आपने बताया था टुटसी ने ये डब्बा रखा था सिक्कों का, ये सिक्के काम आ गए भाई अम्बोली घाट में। एक्चुअली हमने कैश निकाला नहीं था और कैश हमारे पास बिल्कुल था नहीं और पेटीएम हमारा चलता नहीं था, तो भाई को हमने 2-2 के 15 सिक्के दिए उस भाई को, बहुत ही अच्छा है यार वो। देखा, चलो भाई काम हो गया, थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू भाई। आधा रास्ता कवर कर लिया है, नहीं आधे से थोड़ा सा कम है, अजरा में रुके हुए हैं लंच करने के लिए, बहुत जल्दी गए लेकिन बीच में ट्रैफिक और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए अभी यहाँ पे खाने के लिए खाने के लिए वेट कर रहे हैं। पूरा सावंतवाड़ी पार करके आ रहे हैं, इसका हो चुका है दिमाग पूरी तरीके से ख़राब, खाली बैठे बैठे पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ें निकाल रही है मुझे, मुझे परेशान कर रही है। बीच में रुकेंगे चाय पीने के लिए, पहुंचे हैं हम आपला गांव, बीच में चाय पीने, सतारा अभी भी 40 किलोमीटर दूर है और अभी हम लोग रुके हुए हैं, बस पुणे पहुंचने वाले हैं 1.5 घंटे में और यहां से अब आराम करेंगे यार, घर पहुंच के बहुत ज़्यादा थक गए हैं। गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है और बहुत थक गए, और यहां पे खड़ी है हमारी एनफू, पूरे गोवा में मास्क नहीं लगाया लेकिन यहाँ पे खूब मास्क लगा रही है, भगवान। घर पहुंच गए हैं एंड ये अपने चैनल का नाम, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। गाइस बहुत ही ज़्यादा गाड़ी चलाने के बाद और बहुत ज़्यादा थकने के बाद हम लोग घर पहुंच गए हैं, टाइम हो रहा है 9:15, निकले थे सुबह सुबह लेकिन इतना जाम, इतनी बारिश और इतनी ख़राब रोड। एनीवेज अगर आपको ये वाला व्लॉग और पूरी सीरीज पसंद आई है तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मिलते हैं अगली सीरीज में और अगले नए व्लॉग्स में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ सेफ वीक अहेड, बाय।